Today we will start exercise 2.1 with question 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school, right? एक rectangular plot है जो school के लिए reserved है in Mauli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. यहाँ इसका measurement किस तरह दिया है? लेंथ एंड ब्रीथ का जो रेशियो है वो है 11:4. एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. और जो पर मीटर उसकी कॉस्ट है वो है ₹100, और पंचायत जो है विलेज की पंचायत उसने पूरे प्लॉट पे आसपास फेंस मींस जो वार कहते हैं जिसे हम राइट आसपास जो हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट है ₹75,000. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो यहाँ जो प्लॉट का डायमेंशन है वो हमें फाइंड करना है राइट. तो यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो जो है वो है 11:4, यानी कि फर्स्ट लेंथ है वो 11 एंड ब्रीथ है वो 4x. Right, suppose the length of plot is 11x and breadth of plot is 4x. Therefore, the perimeter of a rectangular plot is equal to 2 into length plus breadth. Right, ये हमारी formula है. Length, जो perimeter है, कौन सी rectangular plot की? Right, तो उसकी formula क्या है? 2 into length plus ब्रीथ. नाउ 2 इंटू हमारी जो लेंथ है वो है 11x, हमारी ब्रीथ है वो है 4x. सो 11x प्लस 4x, 11 प्लस 4 इज 15. सो 2 इंटू 15x, एंड नाउ 2 है वो 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा राइट. तो 15 टू 30. It is given that the cost of fencing the plot at the rate of ₹100 per meter is 75,000. Right? यहाँ हमें cost दी है कि per meter का हमें ₹100 देना है और total इसने दिया fencing का 75,000. So हमारी जो perimeter है वो हमने find की वो क्या है 30x. तो उसको ₹100 के रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमें दिया है 75,000. सो 30x इंटू 100 इज इक्वल टू 75,000. तो हम डायरेक्ट पहले ये 100 है इसे भी यहाँ हम डिवाइड में ले सकते हैं या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद भी डिवाइड कर सकते हैं. तो 30x इंटू 100, तो 30 मल्टीप्लाई 100 इज 3000x इज इक्वल टू 75,000. नाउ ये जो 3000 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड. तो 75,000 डिवाइड बाय 3000, तो ये तीन जीरो यहाँ पे कट हो गए, ये तीन जीरो और ये तीन जीरो. अब आया 75 डिवाइड बाय 3, तो 75 के फैक्टर्स क्या होंगे, 75 थ्री जा 3 3 कट, तो x की वैल्यू हमें मिली 25 राइट. अब जो हमारी लेंथ है वो क्या है 11x, तो उसमें हमें x की वैल्यू 25 लिखनी है. सो 11 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 11 जा होगा 275 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रीथ है वो है 4x. तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 25, सो 25 फोर जा 100 मीटर, यानी उसकी लेंथ 275 मीटर एंड ब्रीथ है वो है 100 मीटर. Our eighth question will be, half of a herd of deer are grazing in the field. तो पूरा जो एक डियर का हर्ड है, हर्ड मीन्स झुंड राइट, जो सभी डियर निकले हैं उसमें से हाफ कितने, हाफ डियर है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड.
वो फील्ड में ग्रेजिंग यानी चारा चर रहे, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब जो आधे बचे उसमें से 3/4 प्लेइंग नियर बाय, वो आसपास खेल रहे, जो बचे उसमें से 3/4 लेना है, क्या कर रहे हैं वो प्लेइंग, द रेस्ट अब जो बाकी बचे उसमें से 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो बाकी बचे उसमें से 9 है वो पानी पी रहे हैं, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हॉल, तो टोटल कितने डियर है वो हमें फाइंड करना है, राइट। एक एक के बाद वापस मैं क्वेश्चन का स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज एक्स, कितने टोटल है वो हमें पता नहीं है इसलिए हमने लिया उसके लिए एक्स। अब यहाँ फर्स्ट लाइन में कहा है हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने होंगे, जो टोटल एक्स है उसके हाफ, राइट, मीन्स 1/2 एक्स, तो क्या आएगा उसका आंसर, एक्स अपॉन 2, यानी इतने डियर है वो क्या कर रहे होंगे, ग्रेजिंग इन द फील्ड। नाउ रिमेनिंग डियर कितने बचे, तो टोटल थे एक्स, उसमें से इतने जो है एक्स अपॉन 2 वो यहाँ पे निकल गए, सो एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, तो एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें इसका एलसीएम 2 लेना होगा जो इसके डिवाइड में नहीं है, इसलिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस एक्स अपॉन 2, और 2x माइनस एक्स क्या होगा, एक्स अपॉन 2, राइट। आपको सपोज ये पता ही होगा कि आपको जो रुपीस दिए हैं, आपको 10 रुपीस दिए हो और आधे 5 रुपीस आपने खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे, वापस हाफ यानी 5 रुपीस ही बचेंगे, तो यहाँ आधे रह गए तो बचेंगे वापस आधे यानी कि एक्स अपॉन 2। ओ नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, तो वो कितने हैं जो बचे हैं, एक्स अपॉन 2, राइट, बचे हैं अब एक्स अपॉन 2 उसके 3/4, राइट, तो 3/4 यानी 3/4, और बाकी कितने रिमेनिंग रहे थे डियर, एक्स अपॉन 2, उसका हमें 3/4 लेना है, तो यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 3 × x 3x एंड 4 × 2 = 8 डिनोमिनेटर का, राइट, तो इतने हैं वो पास में खेल रहे हैं, कितने हैं 3x/8। अब 9 है जो बाकी के 9 है वो पानी पी रहे हैं, नंबर ऑफ बियर लेफ्ट इज इक्वल टू 9, तो टोटल कितने हुए, फर्स्ट एक्स अपॉन 2 प्लस जो खेल रहे हैं वो है 3x/8, और जो पानी पी रहे हैं वो है 9, इन सब का टोटल करेंगे तब हमें कितने टोटल डियर्स है वो मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 और 8 का 8, राइट, 8 का फैक्टर 2 है इसलिए इसका एलसीएम होगा 8, तो यहाँ पे एक्स अपॉन 2, तो यहाँ हमें 8 करना हो एक्स अपॉन 2 में, तो हमें क्या करना होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई, राइट, तो यहाँ पे आएगा 4x। उससे पहले यहाँ पे एक स्टेप ये कर ले कि यहाँ पे जो 9 वो राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हो जाएगा -9, राइट, ये +9 है इसलिए -9, एंड ये जो x है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो होगा -x, राइट। उसके बाद हम एलसीएम ले तो हमारे एक तरफ सभी x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आया वो आया 4x, राइट। अब यहाँ 3x के डिनोमिनेटर में तो 8 है इसलिए हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा और हम डायरेक्ट लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और सीधा लेंगे 3x। अब लास्ट जो ये x है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, राइट, तो जो x अपॉन 1 है
उसे हमें डिनोमिनेटर में 8 लेने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा ये x का 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x, और यहाँ माइनस की साइन है इसलिए माइनस 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस 9। ओके नाउ 4x प्लस 7x सॉरी 4x प्लस 3x दोनों प्लस वाले हैं इसलिए उसका टोटल होगा 7x, और ये माइनस वाला है 8x, तो बिगर है 8 और उसकी साइन है माइनस, तो 8 में से 7 कट होगा तो 1 आता है, और ये माइनस है इसलिए आंसर आएगा माइनस ax अपॉन 8, और ये जो 8 है वो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 9 72। अब दोनों तरफ माइनस है इसलिए वो निकल जाएगा और हो जाएगा प्लस, तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स राइट, वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए कौन सा आएगा आंसर, टोटल नंबर ऑफ हर्ड, जो डियर का हर्ड है मींस एक झुंड है उसमें कितने डियर थे, 72। समझ में आ गया सबको? नाइन्थ क्वेश्चन इज ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर राइट, जो दादा है वो उसकी जो पोती है उससे 10 टाइम्स बड़े है। He is also 54 years older than her. और दूसरा कहा है उससे वो कितने बड़े हैं? 54 years. Find their present age. तो अभी उसकी जो present age है वो find करनी है. Let the age of granddaughter is X. हमें पता ही नहीं है इसलिए हमने suppose किया कि granddaughter की age है वो X है. तो एज ऑफ ग्रैंड फादर इज उससे 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई होता है, सो 10x ईयर। और दूसरा हमें ये दिया है कि ऑल्सो इट इज गिवन दैट 10x इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 54। क्यों? क्योंकि जो ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर है उससे वो 54 ईयर्स बड़े है, तो ग्रैंड डॉटर की एज है एक्स और उससे 54 इयर्स बड़े है इसलिए हमने प्लस किया, तो यहाँ हमें इक्वेशन मिल गया 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस 54। अब ये एक्स है वो प्लस है, वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस, सो 10x माइनस एक्स, तो 10 माइनस 1 इज 9x इज इक्वल टू 54। अब ये 9 है वो मल्टीप्लाई में है, वो यहाँ पे 54 में डिवाइड में जाएगा राइट हैंड साइड, तो 9 6 54, यानी कि जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज हमें मिली 6 ईयर राइट, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज एक्स इज इक्वल टू 6 ईयर, और उसके दादा की एज जो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर है वो क्या है, 10x, उससे 10 टाइम्स बड़े है, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 6, 10 6 60 राइट, तो 60 इयर्स उसके दादा की एज होगी। नाउ अमन्स एज 3 टाइम्स हिज सन एज, यहां कहा है अमन की एज है वो उसके जो सन की एज है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 टाइम्स यानी क्या होगा, 3x। 10 इयर्स अगो, अगो मींस पहले राइट, आपकी अभी की एज है उससे 10 साल पहले क्या होगी, तो वो माइनस होता है, वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, तो उसकी एज कितनी थी, 5 टाइम्स थी उसके सन की एज से राइट, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो लेट द एज ऑफ अमन सन, तो सन की एज सपोज करते हैं एक्स ईयर, तो अमन की एज क्या है उससे 3 टाइम्स ज्यादा यानी 3x ईयर। 10 ईयर्स अगो यानी 10 साल पहले जो अमन के सन की एज होगी एक्स माइनस 10, और अमन की एज क्या होगी उसकी यहाँ पे जो अभी है वो 3x है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, 3x माइनस 10। बट यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा है कि अभी जो 10 ईयर
पहले उसकी एज थी वो उससे सन से 5 टाइम्स थी, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x-10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स उसके सन से, तो 5 टाइम्स यानी 5 × x-10, राइट? ये दोनों इक्वेशन समझ में आए? जो 10 साल पहले उसकी एज है उसका दोनों लेना है, और अमन की एज है उसके बेटे से 5 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया। अब ये सॉल्व करेंगे, 5 × x is 5x-10, 5 × 10 = 50, राइट? अब जो 5x यहाँ प्लस है वो इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 3x-5x इज इक्वल टू ये -50, और ये जो -10 है वो राइट हैंड साइड गया तो प्लस, तो 3x-5x इज -2x, राइट? ये बड़ा है, और -50 + 10 तो ये 50 बड़ा है, इसलिए -50 + 10 इज -40, तो दोनों तरफ माइनस है वो निकल जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, सो 40/2 इज 20, राइट? 40 को 2 से डिवाइड करो तो होगा 20, तो अमन के सन की एज हमें मिली 20, तो अमन की एज क्या थी उससे प्रेजेंट एज में 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ज्यादा, यानी 3 × 20 यानी 3 × 20 = 60 years, तो अमन के जो एज है वो 60 ईयर है और उसके बेटे की एज है वो 20 ईयर्स है।